नमस्कार और आप लोग का धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। और हमारे मित्र नंदलाल पांडे जी जो कि प्रोड्यूसर हैं और उनकी ऑफिस का यहाँ पे शानदार पूजा हुआ है और ओपनिंग है और हमारे हीरोइन प्राची जी हैं, तो बधाई मैं देना चाहूँगा कि पांडे जी को कि बहुत अच्छा यहाँ पे उनका जो एक फिल्म का नाम है अपना एंटरटेनमेंट जो है चालू किए हैं और फिल्म उनकी एक फ्लैशबैक और दूसरा बलमा बनारस वाला और एक अस्थियाँ, ये तीन फिल्में हम लेके चल रहे हैं और जल्दी बनाने की तैयारी चल रही है। अब नेक्स्ट मंथ में शुरुआत होगी तो स्टार कास्टिंग अभी चल रहा है और डायरेक्टर का भी फाइनल करीब करीब हुआ है। और कुछ बताना चाहेंगे? कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। सबसे पहले तो नमस्कार। अभी जीतू जी सब लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर, तो हम आए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है आप सभी लोगों को, कुछ इंडस्ट्री को आप इतना आगे बढ़ा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और बैक टू बैक जैसे कि जीतू सर ने बताया कि उनकी तीन मूवी अभी हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, आप लोग ऐसे ही आगे बढ़िए। वैसे इनके साथ अभी अभी जस्ट मैंने काम किया है, पहली बार था, बट ऐसा फील नहीं हुआ हमें थोड़ा सा भी। हम जब साथ में सेट पे होते थे, जो मस्ती हम लोग करते थे ना, वो लेवल ही बहुत ऊपर था। हाँ, तो सत्ताराज फिल्म की है, सत्ताराज अभी अभी जस्ट हम शूट करके आए, फर्स्ट शेड्यूलिंग उसकी ख़त्म हुई है, तो वजह से बहुत अच्छा लगा। अब आगे भी चाहेंगे ऐसे काम करते रहे। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने ये दो दिन पहले मुझे पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आके भी अब काफ़ी लोगों से मैं मिल भी रही हूँ यहाँ पे आके। तो भाई जी, आपके बारे में जानूंगा कि पहले क्या किया, क्या प्रोजेक्ट्स किए और आगे क्या करने वाली हैं, प्रोजेक्ट्स और क्या प्रोजेक्ट्स। मेरी फर्स्ट फिल्म थी मेरे प्यार से मिला दे, सेकंड मैंने अभी पाँच मेहरिया किया और थर्ड फिल्म मेरी ये सत्ताराज मैंने अभी किया है। और मेरी पांच मेहरिया अभी रिसेंट तो थोड़े दिनों में जल्दी आप लोगों को देखने मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पांच बीवियों की स्टोरी लेकर मैं आ रही हूँ आप लोगों के बीच में, तो बहुत सारा प्यार अभी तक आप लोगों से मुझे मिला है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे हमेशा ऐसे ही और प्यार देते रहेंगे। तो क्या सर, फिल्म के अलावा क्या क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से क्या क्या? यहाँ पे एक्चुअली अभी सीरियल का भी कुछ तैयारी है, तो सीरियल्स वगैरह भी देखो बनेगा। और अभी तो फिलहाल हम लोग जो फिल्म अभी करने की तैयारी है, पहले हो सकता है अस्थियाँ पहले शुरू होगी, उसके बाद बलमा बनारस वाला, फिर फ्लैशबैक। फिर भी कास्टिंग के तौर पर अगर देखा जाए तो कौन नामी-गामी चला होगा कि बने आर्टिस्ट? हाँ, कास्टिंग में अभी जैसे एक हीरोइन में हमारी प्राची जी आ गई है, मनोज आर पांडे जी हैं और सर अपना अमरीश सिंह जी हैं। निगेटिव में कर ही रहा हूँ, हमारे मित्र जो है उमाकांत राय जी हैं, बहुत सारे हैं कास्टिंग में, तो अभी ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। हाँ, शूटिंग होगा यहाँ पे जौनपुर में होने वाली है और पनवेल में होने वाली है। कुछ ऐसे ही है लोकेशन वगैरह, जहाँ पे अच्छा लगा और बढ़िया लगा तो वहाँ होगा। और गीत संगीत पक्ष की बात करें तो? हाँ, तो उनका तो एक आनंद जी हैं और गीत वगैरह मुन्ना जी लिख रहे हैं, मुन्ना जी का है, बहुत सारे लोग का मिक्स में है अभी कुछ। प्राची जी का सबसे बड़ी बात है कि बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी अदाकारा हैं, जो कि एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हैं। और दो फिल्में हमने साथ में की, एक सत्ताराज और एक मैं करने जा रहा हूँ इष्ट दीवाना मनोज पांडे जी के साथ में। तो जो मनोज जी के साथ काम करने भी बड़ा मजा आया और जो कि फिल्म है बहुत अभी तक का भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है इष्ट दीवाना, जिसमें 500 फाइटर हैं। 500 फाइटर के साथ में एंट्री है, 14 विलन हैं, मनोज आर पांडे जी हीरो हैं। और ये पटना में शूट होगी जो कि 16 तारीख से होगी। तो बस यही बात है खास। सर की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जैसा कि मैं इनके साथ मेरा काम करने का फर्स्ट टाइम था, बट जब मैंने इनको दोनों रोलों, मतलब मैंने नेगेटिव तो इनका मेरी मूवी मैंने दोनों देखा इनका, और मुझे बहुत मज़ा आया सेट पे इनके साथ। तो मतलब मस्ती तो थी हमारी बहुत ज़्यादा, पर इनका काम तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ काम करके। मैं हमेशा इनको देखती थी, मैं इनकी जब कॉमेडी भी देखती थी तो ऑन सेट भी हम बहुत ज़्यादा हंस देते थे। और नेगेटिव तो है ही इनका, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं सर। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारी जो फिल्म थी सत्ताराज, तो उसमें एक ऐसा मैं किरदार निभाया हूँ, मेरे बड़े होते ना बड़े भाई है और मैं छोटा रहता हूँ, लेकिन कुछ लालच ऐसा आने लगता है धीरे धीरे कि मैं भी कुछ बड़ा हो जाता।
तो उसमें कैसे पॉजिटिव से वापस मैं निगेटिव में घुसता हूँ, वहाँ थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए हमें दोनों का टेंशन मिला जी, यहाँ पे इनका कॉमेडी भी देखने मिला, इनका नेगेटिव भी देखने मिला। और अभी एक इश्क वाले हमारी रिलीज हो रही है जो कि प्रतिभा शर्मा जी डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। और उसके बाद तुरंत हमारी एक फिल्म मनोज आर पांडे हीरो हैं, और पिक्चर हमारी आ रही है सुदृढ़ रक्षक, जो कि एक छोटे कास्ट की फिल्म है, बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी हुई है। अब इसकी रिलीजिंग पे लगी हुई है। शूद्र के बारे में बोलना चाहूंगी, मैंने उसका टीजर एक्चुअली वहाँ पे देखा था, और सर का कैरेक्टर तो यार क्या मतलब, क्या इन्होंने क्या रोल किया, बहुत ही अलग लुक में आपको दिखेंगे। प्लीज ये मूवी आएगी तो आप लोग जरूर जाइएगा देखने। अभी वो मूवी देखने के बाद मुझे जो अभी एक कैरेक्टर मिला, 14 विलन है, 14 विलन में सबसे टॉप का मैं हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि मनोज आर पांडे जी को मैं बहुत प्यार चाहूँगा कि उसका भी मुझे समझे और अच्छा करवाए हैं। और जो मैं करने जा रहा हूँ 500 फाइटर अगर मेरे पीछे है और हम कुछ करने की तैयारी में है, तो बहुत बड़ी फिल्म है, बस यही कहना चाहूँगा। आप लोग को हमारे तरफ से नमस्कार, प्रणाम जो भी समझिए। और मैं तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ, बाकी जीतू भाई हमारे हैं, यही सब कुछ बोलेंगे। हो गया है, हो गया आपका भाई, हो गया, लेकिन मैं बोलना चाहूँ, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं। जो कि प्रोड्यूसर है हमारे नंदलाल जी, और सिद्धि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जो है कंपनी है, और उनकी फिल्में, भाई की हमारी 3 फिल्में एक साथ में चलने वाली है, तो बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे मेहनत करो और आगे बढ़ो, और बहुत सारे हमारे जितने भी है भोजपुरी समाज के सबको आगे बढ़ाओ। अभी अप्रैल में हम लोग बस यही हमारी काम है, हमारा शूट निकलने वाला है, पूरा प्राची निकलता है क्या, आए हैं अपना बहुमत समय निकाल के। अच्छा, हम क्या क्या करने देंगे नहीं, आए हैं इनके लिए हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, आए आपको बैग को हाथ मारा है। चलिए बोलिए, इनके साथ करने वाले ना प्रोजेक्ट आगे का। अब इसमें कैसे है कि हिंदी है, मराठी है, हमारा कैसा है, एक होता ना कि भोजपुरी हमारी फिल्म है बलमा बनारस वाला, और उसके बाद हम वापस हिंदी कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं प्लस बैक और हिंदी, और उसके बाद हम मराठी की भी करेंगे, तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है, तो उसमें काम हमारा कैसा है कि चालू रहेगा, जो हमारा फिल्म का बनाना है वो रेगुलर कंटिन्यू चालू होगा, इसी उद्देश्य से ऑफिस खुला हुआ है, तो बस आप लोग का आशीर्वाद रहे तो 100% सब अच्छा ही होगा, और वैसे भी आप लोग का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। विकास पांडे, हमारे छोटे भाई नंदलाल पांडे, आप इसकी ओपनिंग में मैं आया हूँ, और मैं तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ, दिन दुना चार गुना बढ़ते रहें, इसमें आगे बढ़ते रहें। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, बहुत सारे फिल्में कर भी चुका हूँ, और सिद्धि इंटरटेनमेंट वर्ल्ड का भी फिल्में मैं ही कर रहा हूँ, तो काफ़ी खुशी की बात है, प्रोडक्शन हाउस ओपन हुआ है, और मैं भी दुआ करता हूँ कि बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट किया जाए और सबको साथ में लेके चला जाए। मेरा नाम संजीव मिश्रा है, और अभी तो सब सुन लिए हो, जीतू भाई इसके पहले सब बता दिए, काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख के उनके साथ में, और मेरे बड़े भाई हैं, और हम तो बोल रहे हैं कि आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ हैं, डायरेक्टर साहब भी हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारा एक पिक्चर लॉन्च हो रहा है, आ रहा है जल्दी सबके सामने, ईश्वर वाले उसमें हमारे जीतू भाई हैं, उमेश सिंह हैं, और डायरेक्टर प्रदीप शर्मा हैं। देखिए वो काफ़ी लाइन से फिल्में करते आ रहे हैं, अभी देखिए नंदलाल जी का क्या एक खासियत है कि मतलब जो कमिटमेंट करते हैं वो करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते, बाकी कुछ भी हो जाए इनकी ये अच्छा है, मुझे बहुत भाग जाती है, मतलब आ गए कमिटमेंट कर दिया तो करना है, नहीं तो बाद में फिर बोलते हैं फालतू मगजमारी, मुझे मीटिंग भी नहीं करना है, एक स्वभाव बहुत अच्छा लगता है इनका, और मैं तो तहे दिल से बोलता हूँ कि आगे बढ़े, जितना सपोर्ट हो सके, मैं डायरेक्टर भी खुद बोल रहा हूँ करने को तैयार हूँ, और प्रोडक्शन हाउस
आप लोग के आशीर्वाद से प्यार से खुला है, तो नंदलाल जी को मैं चाहता हूँ कि और तरक्की करें और आगे बढ़े और जितना सहयोग हो सके हम लोग देने को तैयार है। बैक टू बैक इज्जत प्रदीप भाई का पिक्चर आ रहा है और उसमें बहुत सारे हो गए हैं और उसमें मैं हूँ, जीतू भाई भी हैं, लगातार कर रहे हैं। अब इस साल चाह रहे हैं कि बाइक टू बाइक दें। इस साल आप नहीं मानेंगे तो इस वाले आ रहे, फिर सुंदर अच्छा गा रहे, फिर बाद में नरसंहार आ रही, फिर बाद में रांझा आ रहे, रांझा टू आ रहे, मतलब चार पांच फिल्में लगातार आ रही है, रिलीजिंग के लिए रेडी हो रही है। तो आप कितने फिल्में डायरेक्शन करने वाले हैं, कितना पड़ेगा आपके? सब हो चुका है, ये हो चुका है। अब बाकी जो अभी आगे की बात करना, आगे का अभी देखिए रांझा टू है मेरे पास, फिर एक अभी बैग खोलते जाओगे बहुत सारी पिक्चर निकलेगा, 8-10 निकल जाएगी, इसलिए मतलब चलिए आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे और हम लोग बार बार मिलते रहे। हर हर महादेव। कि मैं ये योग्य हूँ कि आप लोगों के सामने आप लोग हमारे सम्मुख आए। कितने बाकी जो फिल्म है जो सिद्धि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जो बन रही है कहानी एक ऐसी एक हस्ती खेलती एक लव स्टोरी है। जैसे होता है कि जैसे एक भौरा एक गुलाब को बहुत चाहता हो, कोई मालिया उस भौरे को पूरी निचोड़ के फेंक दे और भौरा उसके लिए बेशुदा हो जाए, उस टाइप की पूरी लव स्टोरी है कहानी है। फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है अस्थियां नाम उसका है। अच्छा। इसके बाद ये फ्लैशबैक करेंगे, फिर बलमा बनारस वाला करेंगे, बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं और तीनों फिल्में मैं ही लिख रहा हूँ इनकी। और इसके पहले इस साल मैंने 7 फिल्म मैंने दिया इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया मैंने, और मेरी फर्स्ट फिल्म है इनके साथ और सेकंड फिल्म मेरी आ रही है जिसके अनपढ़ बेटी एक है मेरा जो हिंदी रहेगी, 2 हिंदी है और 10 मेरी फिल्म। आपके राइटिंग में ऐसा क्या कुछ है कि जो आदमी मजबूर हो जाए बनाने पे और समाज को सीख देने के लिए? रीज़न क्या लिखे आपने इसमें? रीज़न ये दिया हूँ ना कि जैसे कि होता है ना कि दो जन का जो लव स्टोरी जो होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सवाल तो होते रहते हैं। हाँ। तो ये दो इसमें 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जो मतलब एक जुड़े दोस्त रहते हैं, दोनों दोस्तों के बीच में एक ऐसा फूल खिलता है जिस पे किसी और भौरे का हक होता है, वो फूल खिला रहता है किसी और के लिए, हक कोई और लेके जाता है, तो वो किसी भी तरह से भौरा उस फूल को पाना चाहता है और उस फूल को पाने के लिए ये कहानी ये हल्का सा हॉरर में बदलती है और हॉरर से होते हुए फिर वो निगेटिव से भी पॉजिटिव। सर आप प्रोसीडियर बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम मुकेश गोत्रा है, मेरा प्रोडक्शन नाम है सिल्वर लाइन मूवीज। हाँ सिद्धांत, मेरी एक पिक्चर 2016 में रिलीज हुई आखिरी सौदा द लास्ट सीख, दूसरी पिक्चर मेरी कंप्यूटर में सिर्फ 4 दिन की शूटिंग होती है जिसका नाम है रहम दिल का थे, उसमें मुग्धा भोसले है, जुबेर बे खान है, असरानी जी है, शाहबाज खान है, वैभव माथुर है और अर्षी खान ने आइटम सॉन्ग दिया था। हाँ दिया था ना। और मेरी मैंने राजेश खन्ना जी के साथ भी सीरियल बनाया जो रिलीज हुआ था उनकी डेथ के 4 साल पहले, अरुण गोयल के साथ भी दिया, मगर मेरी पहली पिक्चर जो थी जिसका नाम है आखिरी सौदा द लास्ट सीख। मैं इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से प्रोड्यूसर बन के आना चाहता हूँ, बस आप लोग का सपोर्ट है और पब्लिक का सपोर्ट है अच्छे से आए। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर द वेलकम सर। खुद क्या करते हैं? श्री गोविंद एंटरटेनमेंट सर। प्लीज कैमरा को भेज दीजिए। श्री गोविंद फिल्म्स खाना और सुपर विधि एंटरटेनमेंट दोनों पार्टनर मिल के फिल्म हमेशा करेंगे और अभी करने जा रहे हैं। मेरी हिंदी मूवी मेरी आने वाली है दीवाना तेरे प्यारे, इसके बाद एक भोजपुरी फिल्म है त्रिमूर्ति। हम चाह रहे हैं कि बस आप लोग और क्या जी के बारे बोलिए कैसे हैं इंसान? नहीं हम मिले हैं सर से, बहुत नहीं मिले हैं, नहीं मिले सर से, अच्छे इंसान और मिलके मुझे अच्छा लगा साथ में काम करना चाहेंगे और ऐसा करेंगे। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। चाहूँगा कि मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा ये जो प्रोडक्शन चल रहा है ये इतना अच्छा है, ये भविष्य में इतना उज्जवल करने वाला है कि लोग इसकी सराहना करेंगे, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में। और मैं चाहूँगा कि मैं भी इसमें कुछ करके लोगों का सम्मान करना चाहिए। क्या बात है सर जी। जय माता जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं हूँ सुशील। बहुत खुशी हो रही है, पांडे जी मतलब ओपनिंग कर रहे हैं 3 फिल्में एक साथ जिसमें राइटर हैं अरविंद यादव,
इन्होंने इनकी फिल्में मैंने अभी जस्ट किया है, मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ जन्मदाता। बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको अच्छी चीज़ें समाज को सीखने के लिए और समाज को एक नई चीज़ें देते हैं स्टोरी के माध्यम से। और बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें कि मतलब इतना अच्छा और अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी फिल्में इन लोगों ने प्लानिंग किया है। थैंक यू। सिद्धि इंटरटेनमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट। और दूसरी चीज़, मैं भगवान से ही कामना करता हूँ बहुत ही आगे जाए और बहुत ही सारा प्रोड्यूस करें। हमारे जीजा जी हैं ये और बहुत ही अच्छा ये काम करते हैं। सर आप मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सिद्धि इंटरप्राइजेस है आगे जाए, अच्छी तरक्की करें। हम जीजू उन्होंने अभी नहीं चालू किए, उन्होंने हम सबकी तरफ से यही कामना है कि बहुत आगे जाए सिद्धि। और दर्शक भाई को मेरा प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम सर। मैं जसवंत कुमार, प्रोड्यूसर और एक्टर। आज मैं यहाँ आया हूँ, एक ऑफिस का ओपनिंग है सिद्धि इंटरटेनमेंट वर्ल्ड, सिद्धि इंटरटेनमेंट वर्ल्ड है जो है। इसमें नंदलाल आर पांडे जी और जो भी समस्त भाई जुड़े हैं इस जो है ऑफिस से, सबके लिए ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएँ, बधाई। अच्छा कुछ सोच के जो है लोग शुरुआत किए हैं तो अच्छा ही होगा इसका। और मेरी तरफ से ढेर सारे लोग को, भाइयों को, सबको जो है शुभकामना। सब लोग अच्छा काम करिए, हम लोग भी कहीं ना कहीं साथ में जुड़े हुए हैं। कहूँगा कि आप लोगों को बिलेटेड हैप्पी होली। मैंने होली नहीं खेली लेकिन आप लोगों ने दिल से खोली। तो दोनों ही प्रोड्यूसर्स को, नंदलाल जी को भी और गोविंद जी को भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में कदम रखा है। देखिए जब एक प्रोड्यूसर आता है ना तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत लोगों के घर का चूल्हा जलता है। तो पहले तो आपको दिल से धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है मेरी ओर से। बहुत सारी विशेष है, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं, दो पैसा कमाएं और दो पैसा कमाएं और चार पैसा बांटें। दो पैसा कर दो। ऐसा नहीं, देखिए पहले तो पांडे जी मेरे मित्र हैं तो थोड़ा सा मेरा मजाक मस्ती चलता है इसलिए मैं कर लेता हूँ। तो मनु जी क्या कहना चाहेंगे सर पांडे जी के बारे में, कब से जुड़े हुए हैं, क्या इंसान के तौर पर, प्रोफेशन के तौर पर क्या? इंसान बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं होते तो मेरे दोस्त नहीं होते। बस कहते हैं ना चुंबक को चुंबक खींचता है, तो अच्छे इंसान को अच्छा इंसान खींचता है। मैं अच्छा हूँ, ये भी बहुत अच्छे हैं। और क्या चल रहा है सर आपका, क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं? फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी अभी लेटेस्ट में 15 को मेरी पूरी यूनिट चली जाएगी। और ये आप सबके लिए सरप्राइज है कि इस वक्त ये भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म है। मैं मतलब खुल के कह रहा हूँ कि बड़ी फिल्म है इसलिए बिकॉज पूरा बड़ा सेटअप है, डबल सेट, 3-3 कैमराज हैं, जिमी जिप है, क्या कहते हैं, एसडी कैम्प है, ड्रोन है, पूरा भरा हुआ है एकदम, लैविश है। 500 फाइटर्स हैं, 14 विलन्स हैं, तो और काफ़ी बड़े लोग हैं, सारे मजे हुए कलाकार हैं, स्टार कास्ट बहुत जल्द सब कुछ फाइनल हो चुका है। पर अभी सबका नाम ओपन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सारी चीज़ें बता दूंगा तो मज़ा हट जाएगा। मनोज जी सर, प्राची जी आप क्या बताइए, क्या कहना चाहेंगे? प्राची अभी से सुपरस्टार है, ये बात आप लोग मेरी नोट कर लीजिए। अभी जिसको साइन करना है कर लीजिए, बिकॉज ये बाद में हाथ नहीं आएगी। ये चिड़िया बहुत बड़ी स्टार है और प्राची मेरे साथ एक बहुत बड़ी फिल्म भी कर रही है। मेरे ख्याल से सबका रिजल्ट 4-5 दिन में ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। और ये सब जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। प्राची जी आप बताइए मनोज जी के बारे में, कितने उत्साहित हैं? हाँ मैं प्राची के लिए बता दूँ, अभी मेरे साथ प्राची ने एक और फिल्म की है सत्ताराज, जो पनवेल में शूट हो रही थी, जिसमें प्राची मेरी हीरोइन है। मुझे भी खुशी होती है जब एक खूबसूरत हीरोइन मेरे अपोजिट होती है। शूट करके आए हैं और मैंने मनोज जी के साथ काम किया, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ये। मतलब हम अगर सेट पे भी होते थे, मस्ती मजाक तो एक था ही हमारा जो ग्रुप था, ऑलवेज हम करते ही थे, बट एक जब हमारा काम का समय होता था या जैसे हम जैसे जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं तो लोग उतना हर रोज हमेशा सीखते हैं, हम काम करते हैं तो हम सीखते हैं और ऐसे हमारे सीनियर लोगों से सीखते हैं। जब सीनियर लोग इतने अच्छे हो कि हर टाइम सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है।
कि हमारे साथ कोई ऐसा है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें कुछ नई चीजें सिखा रहा है, बहुत को एक अच्छा फील होता है। तो मैं आगे भी इनके साथ बहुत सारी मूवी करना चाहूंगी, टचवुड मैं कर भी रही हूँ। तो क्या चला था मनोज जी के बारे में सबसे अच्छी खास बात क्या, इंसान के तौर पर, कलाकार के तौर पर? इंसान के तौर पर सबसे ज्यादा बोलूंगी कि ये ऐसे है ना कि ये हर इंसान के हेल्प करने चले जाते हैं, हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, और जो एक बार बोल देते हैं ना तो वो तो इनका करना ही है। मतलब अगर गलती से मैंने बोल दिया सर ये है इनके बारे में, हाँ तुम तो फिक्स हो, तुम अगली पिक्चर में आ जाना, तुम्हारा तो फिक्स है काम, मतलब ये ऐसे हैं, तो आप समझ सकते हैं आप कितने ज्यादा ये दिल के साफ और अच्छे हैं। और भगवान करे हमेशा ऐसे सब लोगों की हेल्प करें, क्योंकि लोगों का हेल्प करना एक अच्छी चीज़ है, एक हमारा ह्यूमन नेचर होना चाहिए कि हम लोगों की हेल्प करें। तो मेरा मानना है कि सभी लोगों को लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आप ऊपर चढ़िए ना, तो भोजपुरी में कोरोना वायरस अभी तक नहीं है ना? सर मैं बता दूं, भोजपुरी क्या कोरोना वायरस कोई लैंग्वेज नहीं देखता साहब। लेकिन सर मजाक बना के रखा है बहुत। मजाक नहीं है सर, देखिए बीमारी को मजाक तो सब लेते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मजाक में बहुत सी चीजें बहुत से लोग कह देते हैं, तो किसी बीमारी को मजाक मत लीजिए। ये सच में एक बहुत बड़ी महामारी तो कह दूं, वो भी छोटी होगी, बहुत बड़ी ही बीमारी है। चाइना इससे हमारे फ्लाइट्स बंद हो गए हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जितनी हैं वो सब रद्द हो गई हैं, और शायद वहाँ के पक्षी तो उड़ उड़ के यहाँ वहाँ आते ही जाते हैं। तो इतना कहूँगा चिकन मटन मत खाइए भाई लोग, पक्षियों को मारकर खाना बंद कर दीजिए, और हो सके साफ सुथरे रहिए, जितना हो सके मास्क लगा कर बात करिए लोगों से, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई अगर बुरा मानता है तो बेवकूफ़ है, बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। एक पढ़े लिखे इंसान को, एक समझदार इंसान को चाहिए। वो मोदी जी ने बहुत पहले कहा था स्वच्छता अभियान, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप सब जानते हैं ना मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा था कि स्वच्छता अभियान चलाओ। शायद उनको पहले से पता था कि ऐसा कुछ आने वाला है, ऐसी कोई गंदगी हमारे देश में आने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले ही आगाज कर दिया था कि भाई स्वच्छता अभियान चला दो, ताकि ये बीमारी हमारे यहाँ पूरी तरह घर ना कर सके। तो मैं भी हाथ जोड़कर कहूँगा आप लोग स्वच्छ रहिए, अगर आप स्वच्छ रखेंगे स्वच्छ रहेंगे तो अपने आप बीमारी से दूर रहेंगे। मैं योगेश शुक्ला वडाला से आज भाई की ऑफिस की ओपनिंग में आया, यह मेरा सौभाग्य है, और महादेव की कृपा सदा इस परिवार पर बनी रहे, इसी तरह से आप लोग दिन ब दिन प्रगति करते रहें, यही शुभकामना हमारी है। महादेव की कृपा सदा बनी रहे, आप सब हमेशा अच्छे से कार्य करते रहें, और ही सब मंगल ही मंगल। जय श्री क्या। प्रथम तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा गुड्डू जी को और उनके मित्र मंडल को, मित्र परिवार को, जिन्होंने विशेष रूप से भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए इस ऑफिस का उद्घाटन किया है, और यहाँ से ये सारी चीज़ें क्रियान्वित होंगी, और भगवान करे वो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हों, इसलिए शुभकामनाओं के साथ शुभकामनाएँ देता हूँ मैं। गुड्डू जी मेरे छोटे भाई हैं, हम लोग राजनीति के लोग हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन जो भी यथा संभावनाएं होंगी, जो भी मेरी तरफ से मदद होगी वो 100% को मिलेगा। सर हमारी तरफ से भी, जो क्योंकि गुड्डू मेरे छोटे भाई हैं, तो जो भी चीज़ें हमसे हो सकेगी हम गुड्डू जी के लिए हमेशा खड़े हैं, और बिल्कुल जो भी आगे जाने के लिए शुभकामना देना चाहिए। सर फिल्मों को आप किस तरह से देखते हैं, फिल्मों के लिए आपका नज़रिया क्या है, जैसे भोजपुरी सिनेमा है, मराठी सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है? जैसे निश्चित रूप से आजकल जो फिल्में बन रही है, मैंने अभी पिछली फिल्म देखी थी ताना जी, निश्चित रूप से वो अपने इतिहास, अब हमारा इतिहास क्या है, हमारे इतिहास में जो वीर पुरुष थे, जो योद्धा थे, उनको सचमुच नया आयाम आज की फिल्में दे रही हैं, जो विशेष रूप से भोजपुरी फिल्में हैं, बॉलीवुड की फिल्में हैं, निश्चित रूप से एक संदेश जाता है, और मैं चाहता हूं कि जो ये हमारे पिक्चर के जो हीरो होते हैं, फिल्मों के हीरो होते हैं, निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश दें, और जिससे हमारे युवा पीढ़ी कुछ न कुछ सीखे। हमारे तरफ से उनको शुभेच्छा है कि अच्छे से मतलब पिक्चर वगैरह वो मेक करें, बनाएं, और भोजपुरी को बढ़ावा दें। आपने कोई भोजपुरी सिनेमा देखा है? हाँ जी। तो कोई सिनेमा ऐसा है जो आपको बहुत पसंद आया? काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं, अभी तो एक फिलहाल एक गदर देखी थी मैंने, गदर भी काफ़ी अच्छी पिक्चर बनाई हुई थी। बस
बिल्कुल, रवि किशन ने काफ़ी फिल्में देखी है। मेरे एक मित्र हैं जय सिंह, जो खलना का काम करते हैं, विशेष रूप से वो एक सामना के पत्रकार हैं, इसके वजह से कहीं ना कहीं मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। दो चीज़ें, हमारे अच्छे संबंध हैं, अच्छे हमारे मित्र हैं, वो ऑफिस का उन्होंने उद्घाटन किया है, अच्छे थे, इनका कामकाज आगे से आगे बढ़े, यही शुभकामना मैं इनको देता हूँ। और जो भी चीज़ों का सहयोग इनको ज़रूरत पड़ेगी वो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, इनके साथ में हम खड़े हैं इनको आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह, और आज बहुत खुशी की बात है कि आज ये हमारे ऑफिस है, हमारे भाई जी का सर बैठे हुए हैं इनका, तो इसकी ओपनिंग में हम आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और जीतू भैया का फ़ोन आया मेरे पास, और बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन हाउस का आज निर्माण हुआ और अच्छी फिल्में बना रहे हैं, और बड़े अच्छे अच्छे सारे लोग हैं, बहुत अच्छी फिल्म की शुरुआत हो रही है, तो मैं दिल से शुभकामना देता हूँ। सर आप जी नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत मिश्रा है, और भैया के प्रोडक्शन हाउस का आज ओपनिंग हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। प्रोडक्शन हाउस शुरू होगा तो ही लोगों को काम मिलेगा, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनकी उम्मीदें इस प्रोडक्शन हाउस से है। मेरी शुभकामना है कि आप अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण करें, और कलाकारों को मौका मिले, टेक्नीशियनों को मौका मिले, और प्रोडक्शन हाउस दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे, हम सबकी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप इस प्रोडक्शन हाउस में किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? जरूर जरूर, अगर मुझे मिला मौका तो जरूर काम करूँ। मैं तो एक्टर हूँ, हर प्रोडक्शन में काम करना चाहता हूँ, करता ही हूँ, करता ही रहूँगा। सर आप कुछ कहेंगे, इतने सारे लोग आए, इतना सर हमको हमारे तरफ से सबको बधाई हो। हम क्या कहेंगे आज ऑफिस ओपनिंग है और इतने अच्छे लोग आए यहाँ पे और इतनी अच्छी शुरुआत हुई आपकी तरफ से? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कितने लोग आए हैं और इन्होंने ओपनिंग किया, उसमें अच्छी इनको सफलता मिली। पांडे जी के बारे में आप कुछ कहेंगे, नई ओपनिंग ऑफिस की आपने कुछ प्लान किया है? क्योंकि काम कोई चालू करता है तो आगे का प्लान उन्होंने करके ही रखा है, अच्छा प्लान है, भगवान की कृपा रहे तो आगे तक प्लान जाएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और आप क्या शुभकामनाएं देंगे पांडे जी? बहुत बहुत बधाई देंगे, बहुत सारे शुभकामनाएं दे रहे हैं कि लोग बहुत तरक्की करें इस लाइन में। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।